नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं तेजस्वी ने मंच से दिल्ली मार्च का भी आह्वान किया और सीएम बनने के मुद्दे को भी टालते नजर आए। इस रैली में महागठबंधन ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने का संदेश दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की रैली में बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और सभा को संबोधित करते हुए बिहार के लोगों से एकजुटता की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि देश की तमाम रीजनल पार्टियों को बुलाकर एक साथ लाएं और मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएं। इसके साथ ही तेजस्वी ने यह संकल्प लिया कि पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही वे भी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने यह भी जता दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की भी जल्दी नहीं है। तेजस्वी ने इसी मंच से दिल्ली मार्च का भी आह्वान करते हुए कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। वहीं तेजस्वी यादव ने लोगों को आगाह किया कि सीमांचल में बीजेपी के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए सब सावधान रहें। उन्होंने लालू यादव की भी जमकर तारीफ की और कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से लालू यादव का ऑपरेशन सफल हुआ, आज वो आप लोगों के बीच है। मेरे पिताजी ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया और हमेशा उनसे लड़ते रहे। लालू जी का बेटा भी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करेगा। हम लोगों को मिलकर बीजेपी से लड़ना है। डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं बल्कि सब डीलर हो चुके हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ जुमला बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। बिहार को बजट में क्या मिला? कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने लोगों से हाथ उठवाकर बुलवाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पर भी इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम से बचकर रहना है। तेजस्वी यादव ने ये भी साफ किया कि उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है और न ही किसी को प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, सिर्फ बीजेपी को 2024 में हराना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से आपस में मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। वहीं तेजस्वी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में अमन राज है, मंगल राज है, बिहार में कोई आपसे डरने वाला नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने फिर A to Z की राजनीति की बात की और कहा कि आज समाज के सारी जातियों और धर्मों को मिलाकर रखना है, लेकिन कुछ लोग इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने रोजगार का वादा किया है, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको रोजगार मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। सरकार आप लोगों की हर समस्या को दूर करेगी, सरकार आपकी है, हम लोग एक साथ चलेंगे, दिल्ली मार्च करेंगे। तेजस्वी यादव ने अमित शाह का नाम लेकर बोला एक बिहारी सब पर भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। जहां एक ओर वाल्मीकि नगर से बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर जेडीयू और आरजेडी की रैली ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का एजेंडा तैयार किया। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह कांग्रेस से तेजस्वी यादव विपक्षी एकजुटता की अपील कर रहे हैं, वैसे में एक भी कांग्रेसी नेता ने इस रैली में शिरकत नहीं किया। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।